हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं ससरी चंद और आज जो है हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 का जो है पार्ट टू आज हम करने जा रहे हैं। पिछले वाले हम पार्ट वन में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम कुछ फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, पर मैं देखें जो डिफरेंट हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी रहे एक्सरसाइज को पूरी तरह करने में। ज़्यादा हर क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आप लोगों का भी टाइम ज़ाया नहीं कर रखा और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बच रहा। सो इस वजह से गाइस मैं सिर्फ खास गिने चुने क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है जी, तो जो चेंज है आज हम वही कर रहे हैं। तो जी यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है जो क्या कह रहा है, 7 - 2x > 6 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो कैसे डिफरेंट है, क्या है वो जब हम ये सोल्व कर रहे हैं तो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि कैसे डिफरेंट हो रहा है जी। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले 7 - 2x > कितना है, 6 है। अब उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस के 7 है, ठीक है, ये उस तरफ जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के, यानी कि ये 2x यहीं रहेंगे ग्रेटर देन ये 7 माइनस प्लस के हैं उस तरफ जाएंगे, ये तो प्लस का था, ये उस तरफ जाएंगे किसका बन जाएंगे, माइनस के। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, देखिए 2x > किसके, -1 के। ठीक है जी, तो 2x > -1। यहाँ देखें जब भी यहाँ इस तरफ से x के और साथ जब भी यहाँ माइनस जुड़ जाएगी तो फिर हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। याद रख ले यहाँ वाली माइनस मैटर नहीं करेगी, पर अगर यहाँ माइनस आ रही है ना, जैसे यहाँ है, तो उसके लिए हमें स्टेप करना पड़ता है। क्या करेंगे हम, डिवाइड माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस साइन जो हम लेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो उसे होगा क्या, ये इसमें ख़त्म हो जाएगी। कैसे कि अगर इसके ऊपर नीचे भी मैं डिवाइड दूँ माइनस दूँ, उसके नीचे माइनस दूँ, तो ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, पर इससे एक स्टेप में चेंज करेंगे। वो क्या होगी, ये देखें 2x > जो है माइनस वन था ना, तो अब ये क्या बन जाएगा, 2x > किसके बन जाएगा, 1 के। ठीक है, तो 2x > बन जाएगा। अगर वैसे भी देखते हैं तो देखिए 2x जो है ये माइनस के ये बड़े नहीं है, क्योंकि माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी क्या हो गया, 2x > थी, अब लेस देन 1 हो गया। अब फर्दर स्टेप क्या करेंगे, x > 1/2 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आप उस फॉर्म में लिखने वाले हैं तो आप उस वे में भी लिख सकते हैं। देखें कैसे थे, वो था कि भाई x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x > 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ तो गया था, पर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो वो वैलिड गुड है। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है, ठीक है, पर स्टेप इसके भी इजी हैं, तो ये भी सेम ही है। आप देखें ये 4 - x / 2 है, +3x - 4/8 - 5x / 8 > 11/12 एंड x belongs to real numbers। यहाँ आप देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इनके बीच में जो है प्लस और माइनस की साइन है, यानी कि इनकी क्या निकलने वाली है, इनकी निकलेगी जनाब एलसीएम। क्या निकलेगी, एलसीएम। सो 2, 8 और 8 की एलसीएम निकालेंगे तो आपकी एलसीएम, देखिए 2 की टेबल 8 की, बड़ा नंबर 8 है, तो यहाँ एलसीएम हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब रूल क्या है एलसीएम का, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 × 4 = 8, तो कितना आ जाएगा, 4। तो आप इधर 4 से इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कैसे, 4 × 4 हमारा कितना बनता है, 16, माइनस की साइन है, 4 × x हमारा कितना बनता है, 4x। ठीक है जी, अब फर्दर बताएंगे क्या है, ये प्लस की साइन है, दे देते हैं। अब देखें 8 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर हमारा कितना आता है, 1। तो बाकाया फिर क्या बन गया हमारा, 1 को इससे करोगे तो सेम ही आएगा, इस वजह से 3x + 4 हमारा आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 8 को अगर 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 ही आएगा, और 1 टाइम अगर माइनस जो है 5x करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5x। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन 11/12। ठीक है जी, अब देखते हैं माइनस के 4x हैं, माइनस के 5x कितने बन गए, माइनस के 9x, और प्लस के कितने, 3x। तो 9x माइनस के हैं, प्लस के 3x हैं,
हमारे पास माइनस के कितने बन गए, 6x। अब इधर देखते हैं प्लस के क्या है, 16 है प्लस के 4 है, तो प्लस के हमारे पास कितने आ गए, 20 आ गए। ठीक है जी, नीचे हमारे पास कितना था 8, और इधर क्या है ग्रेटर देन 11/2। और इसको सॉल्व करते हैं, देखें अब ये इस वाले फॉर्म में आ गया कि देखें इज इक्वल हो या लेस देन ग्रेटर देन हो, तो फिर उसके बाद हम दो फ्रैक्शंस के बीच में क्या करते हैं BCM, यानी कि पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, देखें दिस वे, यानी कि 12 जो है जाके मल्टीप्लाई करेंगे किस से, माइनस के 6x के साथ और प्लस के 20 के साथ, और ये हमारे 8 जो है, ये सॉरी ग्रेटर देन की साइन दे देते हैं, फिर 8 जो है जाके मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, वो करेगा हमारे 11 के साथ। अब देखें 12 टाइम 6 कितना बनता है हमारा 72, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हमारा x, और प्लस 12 टाइम 20 कितना बनता है, सिंपली कर लेते 12 टाइम 2 इज कितना होता है 24 होता है, और 0 डाल दें तो हमारे पास 240 बन गया। ठीक है, ग्रेटर देन 8 टाइम 11 इज कितना बनता है हमारा 88। ठीक है जी, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखें यहाँ माइनस का 72x है, ठीक है जी, ग्रेटर देन ये देखें प्लस के 88 वैसे ही थे, ये प्लस के थे उस तरफ गए, ये किसके बन जाएंगे माइनस के बन जाएंगे। ठीक है जी, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 72 हमारा एक्स ग्रेटर देन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 240 से हम कितना काट लेते हैं 80 ऐड कर लेते हैं, तो 10 में से 8 के कितने बचे 2, 13 में से 8 के कितने बचे हमारे 5, और इधर 1 बच गया क्योंकि माइनस के बड़े थे, तो इसलिए माइनस के 152 हमारे बच गए। अब देखें इस तरफ तो माइनस का चलता था, पर इस तरफ माइनस आ गई है, तो हमें ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड साइन है ना, डिवाइड बाय माइनस साइन, तो यहाँ ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, पर क्या स्टेप आ जाएगा, 72x ये जो ग्रेटर देन थी अब क्या बन जाएगी लेस देन जिससे 152। और देखिए इससे आपको क्लियर पता भी लग रहा है, कैसा, देखिए 72 152 बड़ा कौन सा है 152, तो अभी साइन दुरुस्त भी हो गया, देखें 72x ग्रेटर देन और लेस देन 152, यानी कि ये वाला पार्ट इससे छोटा है, ऑब्वियसली ये 152 है ये 72 है तो छोटा भी है, तो जब ये माइनस है हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा, अगर लेस होता तो ग्रेटर बन जाएगा। अब फर्दर स्टेप क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन 152 डिवाइड बाई कितना 72। यहाँ देखें आपकी टेबल लग रही है इधर, एक्स इज लेस देन कैसे लग रही है, देखें 2 की टेबल लग रही है कितनी बार 3 बार, एक इधर आया इधर बन गया 6 बार। अब देखें 2 की टेबल लग रही है इधर 7 बार, एक इधर आया इधर बन गया 6 बार। फर्दर टेबल लग रही है, देखें 2 की लग रही है 1 बार, एक इधर आया 8 बार, फिर देखें 2 की लग रही है 3 बार, एक इधर आया कितने बार 8 बार, अब भी लग रही है 2 की कितने बार 9 बार, इधर कितने बार 1 बार, एक इधर आया 9 बार। अब फर्दर टेबल नहीं लग रही है, तो एक्सिस कितना हो गया हमारा लेस देन 19/9। ठीक है जी, तो ये हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि जो है हमारा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 19/9, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा चेंज है, देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, मोड 3x-2 मोड लेस देन x+5 एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये मोड आने की वजह से इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसको दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर देंगे, हमने अपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, जब मोड आता है तो उसको हटा के हम प्लस माइनस की साइन दे देते हैं। कैसे हम कर लेंगे, देखें हम कर लेंगे 3x-2, ठीक है जी, और इधर क्या है साइन लेस देन x+5 कॉमा एक पार्ट। अब अगले पार्ट हम क्या करेंगे, -3x-2 लेस देन, ठीक है लेस देन कितना है x+5। अब देखें जो मोड हटाने की वजह से हमने एक पार्ट प्लस का लिया है, तो फिर एक पार्ट हमने किसका लिया है माइनस का ले लिया है। ठीक है, तो वैसे भी वो किसके बराबर था, जब हम मोड हटा रहे होते थे तो वो मोड जब हम हटा रहे होते थे तो वो इसी कोल के उस तरफ हम क्या देते थे प्लस माइनस, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें
ये स्टेप ही करना था, उसके बाद हमें सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे पास कितना बन गया, ये 3x माइनस हमारा 2 लेस देन x प्लस 5, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस के कितने बन गए कॉमा, ये माइनस के 3x माइनस इंटू माइनस कितने बन गए, प्लस के कितने हैं 2 हैं, लेस देन x प्लस हमारे 5 बन गए। ठीक है जी, अब फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें 3x, इस वाली पूरी इक्वेशन को पहले हम देख लेते हैं। देखें 3x है, ये प्लस का है इस तरफ आ जाए, किसका बन गया माइनस का, साइन कौन सी है लेस देन, ठीक है ये 5 प्लस के वैसे ही थे, ये माइनस वाले उस तरफ आई है, किसके बन गए प्लस के बन गए। ठीक है जी, और ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं हम इधर, ये कितना है, ये हमारा माइनस का 3x, ठीक है ये x प्लस का इस तरफ आ जाए किसका बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, साइन किसकी है लेस देन, ये 5 प्लस के वैसे ही थे, ये प्लस के उस तरफ आ जाएंगे, किसके बन गए ये हमारे बन गए माइनस के। ठीक है जी, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 3x में से x चला गया, बाकी हमारे पास बचे यहाँ 2x, ठीक है जी लेस देन हमारे पास कितने हैं 5 प्लस 2 कितने बन गए हमारे पास 7 बन गए कॉमा, यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखें 3x भी माइनस का है, x भी माइनस का है, तो माइनस के हमारे पास कितने बन गए 4x बन गए। ठीक है, साइन किसकी है लेस देन, 5 में से 2 हमारे चले गए, बाकी हमारे पास प्लस के 3 बचेंगे क्योंकि प्लस का ज़्यादा था। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये x इज इक्वल टू सॉरी लेस देन 7 अपन, ये मल्टीप्लाई में तो उस तरफ आगे क्या बन गया डिवाइड। ठीक है जी, अब इधर इस वाले पार्ट को देख लेते हैं ज़रा, यहाँ अगर हम देख लें तो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जब इस तरफ से माइनस आ जाती है मैंने बोला था, तो उसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड माइनस, ठीक है साइन, तो जब माइनस साइन डिवाइड कर लेंगे तो इस तरफ भी माइनस से डिवाइड करेंगे ये तो ख़त्म हो जाएगी, इस तरफ भी माइनस से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस आ जाएगी, यानी कि ये 4x अभी लेस देन था, अभी क्या बन जाएगा ग्रेटर देन, किसके इधर से माइनस खत्म हो गई, इधर से माइनस थी नहीं तो इस वजह से डिवाइड बोथ साइड होती है, तो इधर से माइनस अब आ जाएगी कितनी माइनस के 3। और देखें स्टेटमेंट सही भी हो रही, कैसे 4x ग्रेटर देन है किसे माइनस 3 से, जी बिल्कुल, क्योंकि माइनस में होता है तो इतना वो छोटा होता है, ठीक है तो ये बड़ा हो गया, तो 4x इज ग्रेटर देन माइनस 3। ये फर्दर सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि इसको टेबल नहीं लग रही, तो ये 7 अपॉन 2 हमारा वही रहा कोमा, यहाँ क्या कर रहे हैं देखें x ग्रेटर देन ये माइनस 3 थे, ये मल्टीप्लाई उधर आ गया किसके बन गए प्लस के बन गए। ठीक है जी, तो ये वैसे हमारा आंसर तो आ गया, पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखें माइनस के 3 अपॉन 4, ठीक है जी लेस देन x सॉरी लेस देन एंड लेस देन x जो है वो लेस देन किसके हैं, वो है हमारे 7 अपॉन 2 के साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज का जो मैंने आखिरी क्वेश्चन उठाया हुआ है वो ये है, उसको देख लेते हैं बस, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मोड 5 प्लस 3 वाई मोड लेस देन 12 एंड y बिलोंग्स टू किसको रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर हम इसको मोड ख़त्म करें तो हम क्या करना था, हमें 5 प्लस 3 वाई लेस देन 12 पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जब ये प्लस का उठाए तब अगला पार्ट किसका उठाएंगे माइनस का, ब्रैकेट दे देंगे माइनस का 5 प्लस 3 वाई, ठीक है जी, और लेस देन कितना है हमारे पास 12 है। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 3 वाई लेस देन 12 कॉमा, यहाँ अगर देख लें तो ये कितना बन जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 वाई लेस देन किसके 12 के, ठीक है जी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी ये 3 वाई हमारा यहीं रहा लेस देन 12, ये हमारे प्लस के थे, ये प्लस के उस तरफ गए जाएंगे 5 तो किसके बन जाएंगे माइनस के कॉमा, यहाँ वाला ये वाले पार्ट भी देख लेते हैं हम, देखें ये कहते हैं माइनस के 3y ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन 12, ये माइनस के उस तरफ गए किसके बन जाएंगे प्लस के 5 बन जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें 3y लेस देन 12 में से 5 गए हमारे तो 7 बचेंगे क्योंकि 7 प्लस के बचेंगे क्योंकि 12 प्लस के थे कोमा, यहाँ देख लेते हैं माइनस के 3y लेस देन 5 और 12 दोनों ही प्लस के हैं तो हमारे पास किसका आ जाएगा आंसर 17 प्लस के आ जाएंगे। ठीक
ठीक है जी। सो ये देखें y, ये इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके बनेगा डिवाइड। सो y लेस देन 7/3 फर्स्ट पार्ट, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर फिर से कंडीशन आ गई, क्या यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड माइनस साइन बोथ साइड से। ठीक है, तो बोथ साइड से करेंगे तो देखिए इस तरफ तो माइनस है नहीं, इस तरफ है, तो इस तरफ की माइनस तो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3y, अब ये जो लेस देन था अब ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि इधर अब माइनस चली जाएगी। तो यहाँ माइनस के कितने आ गए, 17। और देखें कंडीशन हो भी रही है कि ये बड़ा है पार्ट, क्योंकि ये माइनस का इसलिए छोटा है, तो इसलिए पहले लेस देन थी पर अब ये ग्रेटर देन बन चुकी है। इधर कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इधर टेबल हमारी लग नहीं रही है। सो y इज लेस देन 7/3 कितना है, 3 कॉमा, इधर हमारा देख लेते हैं y ग्रेटर देन, ये माइनस के कितने थे 17, ये प्लस के मल्टीप्लाई के उस तरफ जाएंगे, क्या बन जाएंगे डिवाइड के। फर्दर टेबल लग रही है जी, बिल्कुल नहीं लग रही है, तो इसको हम अब रिप्रेजेंट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखें इसमें माइनस वाला पहले बड़ा है तो हम लिख लेते हैं कितना है, छोटा है आई मीन, सो 17/3 कितना हमारा 3। ठीक है जी, लेस देन एक्स एंड लेस देन कितना है 7/3, दैट्स इट। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज पार्ट 2 1.5 का, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।